आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते ने सोमवार को राज्यव्यापी अभियान चलाकर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्या लोग को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने यहाँ एक बयान में बताया कि ATS को सूचना मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुछ रोहिंग्या लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। इस पर ATS ने स्थानीय पुलिस इकाइयों की मदद से एक अभियान चलाया और कुल 74 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार रोहिंग्या लोगों में से 16 महिलाएं और लड़कियां तथा 58 पुरुष शामिल हैं। इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार यूपी ATS ने प्रदेश भर के अलग अलग जिले से कुल 74 रोहिंग्या पकड़े हैं, जिनमें मथुरा से 31, अलीगढ़ से 17, गाजियाबाद से 4, हापुड़ से 13 और मेरठ सहारनपुर से 2-2 रोहिंग्या अरेस्ट किए गए हैं। इसके अलावा हापुड़ से 2 पुरुष बाल आपचारी और 1 महिला बाल आपचारी को दबोचा गया है, जबकि मेरठ से 1 पुरुष बाल आपचारी पर 1 महिला बाल आपचारी को पकड़ा गया है। बता दें कि 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ATS ने अभियान चलाकर प्रदेश भर में अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ATS के हाथों में ये सफलता लगी है। बता दें कि ये 6 जिलों से गिरफ्तारी की गई है। बता दें इसमें लड़कियां, पुरुष और महिलाएं शामिल हैं, जिसमें 16 महिलाएं और लड़कियां तथा 58 पुरुष शामिल हैं। ATS ने अभियान चलाकर इन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुल 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अलीगढ़ से हमारे सहयोगी नितेश हमसे जुड़ चुके हैं। नितेश, देखिए ATS ने अभियान चलाकर प्रदेश भर में अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? कल ATS द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बैक आवाज आ रही है मैम। ठीक है, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। बता दें कि ATS ने अभियान चलाकर 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 6 जिलों से ये गिरफ्तारी की गई है। एक्शन मोड में ATS नजर आ रही है। एक अभियान चलाकर इन रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। बता दें कि 16 महिलाएं और लड़कियां तथा 58 पुरुष शामिल हैं। इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार यूपी ATS ने प्रदेश के अलग अलग जिले में कुल 74 रोहिंग्या पकड़े हैं, जिनमें मथुरा में से 31, अलीगढ़ से 17, गाजियाबाद से 4 और हापुड़ से 13, मेरठ सहारनपुर से 2-2 रोहिंग्या अरेस्ट किए गए हैं। इसके अलावा हापुड़ से 2 पुरुष बाल आपचारी और 1 महिला बाल आपचारी को दबोचा गया है, जबकि मेरठ से 1 पुरुष बाल आपचारी और 1 महिला बाल आपचारी को पकड़ा गया है। तो बता दें ATS ने अभियान चलाकर 74 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें महिला, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। बता दें कि ATS ने यह अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। 74 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध रूप से देश में रह रहे थे। और बता दें कि अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग जिले से 74 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कहा गया है कि इन 74 रोहिंग्या को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इसमें लड़कियां, पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। ATS ने ये कार्रवाई की है, जिसमें अभियान चलाकर 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
बता दें कि एटीएस ने स्थानीय पुलिस की मदद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें विभिन्न जिलों से रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है जो लंबे समय से अवैध रूप से रह रहे थे। और इस खबर पर एक बार फिर से हमारे सहयोगी अलीगढ़ से नीतीश हमसे जुड़ चुके हैं। नीतीश, देखिए एटीएस ने अभियान चलाकर प्रदेश भर में अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया है, पूरी जानकारी दें किस तरह से ये अभियान चलाया गया। मैं आपको बता दूं, कल एक कार्रवाई करते हुए एटीएस द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बर्मा के युद्ध के बाद यहाँ पे अवैध रूप से कुछ बहुत सारे समय से रह रहे हैं और उन पर लगातार एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 7 पुरुष हैं और 10 महिलाएं हैं और बच्चे भी उनके साथ बताए गए हैं। नीतीश, इसमें 6 जिलों में कार्रवाई की गई है, कहाँ कहाँ से ये गिरफ्तारी हुई है? मैं आपको बता दूं कि अगर अलीगढ़ की बात करेंगे तो अलीगढ़ में कुछ दिनों से लगातार इस चीज पे कार्रवाई चल रही थी और प्रशासन द्वारा एकदम से कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया है और देखी जाए तो इनके पास कोई भी भारत की नागरिकता का कार्ड नहीं मिला था। इसको लेकर एटीएस द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीतीश, जिस तरह से 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो ये एक बड़ी बात है जो सामने आई है, आगे भी क्या इस तरह के अभियान चलाए जा सकते हैं और भी गिरफ्तारी हो सकती है? प्रशासन की अगर बात करें, एटीएस की बात करें, तो उनका कहना यही है कि इस तरीके से जो भी देश में रोहिंग्या रह रहे हैं और अवैध रूप से रह रहे हैं उनको स्थान नहीं दिया जाएगा और उन पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर, इस तरीके की बात कही जा रही है प्रशासन द्वारा। नीतीश, जिस तरह से 74 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कहा है, कैसे इनकी जानकारी पुलिस तक पहुंची, किस तरह से अभियान चलाया गया? पुलिस द्वारा बात कही जा रही है कि लगातार कुछ दिनों से काम कर रहे थे इनको लेकर और जैसे उनको पता चला कि इस तरीके की लोग रह रहे हैं यहाँ पर रोहिंग्या आकर जो युद्ध के बाद यहाँ पर आकर रह रहे हैं और कुछ बहुत सालों से रह रहे हैं, तो उन्हें जैसे पता लगा तो उन पर एक कार्रवाई की गई और कार्रवाई के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ के बाद पता लगा कि उनके पास कोई भी भारत की नागरिकता नहीं है और वो अवैध रूप से रह रहे हैं। जी धन्यवाद नीतीश हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि एटीएस ने यह बड़ी कार्रवाई की है और 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। बता दें कि लंबे समय से ये प्रदेश भर में अवैध रूप से रह रहे थे, जिसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि मथुरा से 31, अलीगढ़ से 17 और गाजियाबाद से 4, हापुड़ से 13 और मेरठ सहारनपुर से 2-2 रोहिंग्या अरेस्ट किए गए हैं और आगे भी अभियान चलाकर इस तरह कार्रवाई की जा सकती है कि लगातार जानकारी सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग अवैध रूप से प्रदेश भर में जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा अभियान चलाकर 74 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। वहीं कहा जा रहा है कि अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि ये एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है कि स्थानीय पुलिस की मदद से बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। बता दें कि प्रदेश भर में अभियान चलाकर 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते ने सोमवार को राज्यव्यापी अभियान चलाकर प्रदेश भर में रह रहे अवैध रूप से 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें स्थानीय पुलिस की मदद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। एटीएस ने अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया है। और इस खबर पर मेरठ से हमारे सहयोगी राजन सोनकर हमसे जुड़ चुके हैं। राजन, देखिए एटीएस ने बड़ी कार्रवाई कर, बड़ा अभियान चलाकर प्रदेश भर में अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया गया, किस तरह से ये विशेष अभियान चलाया गया? देखिए एटीएस का गठन हुआ था आज से करीब 2007 में और ये आतंकवादी विरोधक दस्ता है, जिसको लेकर प्रदेश भर में छापेमारी की गई और इस दौरान 74 रोहिंग्या मुसलमानों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से कुछ को हिरासत में लेकर पूछताछ करके छोड़ दिया गया है, जिनके पास से कार्ड भी बरामद हुआ है।
जो कार्ड के आधार पर इन्हें छोड़ दिया गया है। फिलहाल जो मेरठ से दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरे प्रदेश भर में 74 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। ये विभिन्न इलाकों में छापेमारी एटीएस की तरफ से की गई थी, तो एटीएस की कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस के साथ में जो मिलकर जो कार्रवाई की गई है ये कहीं ना कहीं सफलता मिली है और पुलिस और एटीएस लगातार इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और उनके साथियों की तलाश प्रदेश भर में की जा रही है। और वहीं एडीजी लोक प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में 74 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 18 से ज्यादा महिलाएं हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। राजन, जिस तरह 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसकी जानकारी पुलिस को कैसे मिली? ये अभियान कब से चलाया जा रहा था? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की जो जांच एजेंसियां हैं ना, सूत्र उनके बहुत मजबूत होते हैं, तो वैसे भी प्रदेश में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो क्यों ना हो, तो इसी को लेकर जगह जगह उनके जासूस थे, जो उनके सूत्र थे उन्हीं की तरफ से इन्हें जो जानकारी मिल रही थी, इसी को लेकर एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ में लोगों के आइडेंटिफाई करा। जब आइडेंटिफाई करा तो लोगों के पास जो आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिले उसको लेकर उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की गई और हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, तो पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है और इसी को लेकर जो उत्तर प्रदेश की जो संख्या थी जो एटीएस ने गिरफ्तार किए रोहिंग्या मुसलमानों को वो 74 थी, तो 74 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार की जा रही है और बताया ये भी जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि बहुत जल्द इसमें और लोगों को भी हिरासत में लिया जाएगा और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जी धन्यवाद राजन, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें एटीएस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है, स्थानीय पुलिस की मदद से प्रदेश भर में अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि आगे भी इस तरह की बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर में बीते 2.5 महीने से मैतेई और कुकी के बीच नस्ली हिंसा जारी है। वहीं इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में राज्य में हो रही हिंसा को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्षी हंगामे के बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह को नियमों के उल्लंघन के कारण पूरे सेशन भर के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया, जिसके विरोध में वह संसद परिसर में ही विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों के नेता के साथ धरने पर बैठ गए। INDIA के घटक दलों के नेता पूरी रात धरने पर बैठे रहे। ये सभी नेता मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में बयान देने और मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। INDIA के दल सत्र के लिए रणनीति तैयार करेंगे, जहां INDIA के दल की आज अहम बैठक होगी और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, देखिए मणिपुर हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की आज एक अहम बैठक होगी, क्या कुछ रणनीति बनने वाली है? जी, साफ तौर से अगर बात की जाए तो सदन के दोनों अगर बात की जाए तो लोअर हाउस और अपर हाउस में सदन की कार्रवाई चल रही है, मानसून सत्र चल रहा है। अगर बात की जाए तो जहां विपक्ष लगातार मानसून सत्र और देश में बढ़ती महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर तमाम सवाल पूछने का काम कर रहा है, तो वहीं अगर बात की जाए तो कल आपने देखा कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार मणिपुर मामले को लेकर चेयरपर्सन दिलीप धर्मकर से लगातार सवाल पूछने का काम कर रहे थे। उसी दरमियान आपको बताया कि एक पोल किया जाता है जिसमें यस लॉबी यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की कहीं ना कहीं निष्कासन को लेकर एक पोल किया गया जिसमें यस लॉबी पूरी समर्थन की, जिसके ठीक बाद पूरे सत्र के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो संजय सिंह तमाम विपक्षी दलों के सांसदों के साथ अपने मामले को लेकर अड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि ये अलोकतांत्रिक है और वो लगातार कहीं ना कहीं बात की जाए तो इस बात को संसद में कहते हुए नजर आए। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो कल देर रात संजय सिंह संसद भवन स्थित गांधी प्रतिमा पर कहीं ना कहीं देर रात बैठकर और आज बात की जाए तो देर रात के लेकर और आज सुबह तक संसद भवन के ठीक सामने बैठे हुए हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो विपक्षी दलों के कांग्रेस समाजवादी पार्टी समेत TMC एवं तमाम दलों के द्वारा कहीं ना कहीं संजय सिंह का समर्थन किया गया और उनके बर्खास्तगी की जो
कार्रवाई की गई है उसको वापस लेने की बात कही गई। साफ तौर से संजय सिंह का कहना है कि मणिपुर हिंसा को लेकर हम कहीं ना कहीं चर्चा करना चाहते हैं और हमें संसद में चर्चा करने से रोका जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि संजय सिंह जब अनशन पे बैठते हैं तो उनके साथ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव और अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के प्रमोद तिवारी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं टीएमसी से अगर बात की जाए तो ड्रैक ओब्रायन समेत कई राज्यसभा सांसद कहीं ना कहीं संजय सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी रात बैठे हुए। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो आज संसद की कार्रवाई से निलंबित होने के बाद आपको रोकना चाहूंगी मैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में बीजेपी की ये बड़ी बैठक हो रही है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है, ये बैठक दिल्ली में हो रही है। संसद में जारी तकरार पर पीएम मोदी की चर्चा हो रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी है, दिल्ली में बीजेपी की ये बड़ी बैठक हो रही है। संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु देखिए, पीएम मोदी की अगुवाई में आज दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है, किस तरह से इस बैठक को देखा जाए? जी बिल्कुल, अगर मयूरी आपके सवाल पर लौटे तो जहां एक तरफ विपक्ष आज कहीं ना कहीं संसद की कार्रवाई को लेकर बैठक करने जा रहा है तो वही एनडीए के तमाम दल कहीं ना कहीं अभी बैठक कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये बैठक हो रही है जिसमें कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसा को लेकर जो देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कल मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने को लेकर सरकार तैयार है इसके तमाम बयान दिए गए थे। तो कैसे संसद को चलाना है इसकी पूरी प्रक्रिया को लेकर देश के प्रधानमंत्री की अगुवाई में संसद के तमाम अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। अगर बात की जाए तो भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह और अर्जुन राम मेघवाल इस बैठक में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो रामेश्वर तली समेत कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है जो संसद में एक लंबे अवसर से सदस्य है। साफ तौर से अगर बात की जाए मयूरी तो इसमें विपक्षी दल जो लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कई तरह के सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, उसको कैसे डिफेंड करना है इसकी इसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की जा रही है। आज अगर बात की जाए तो आज के संसद के सत्र को कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी रोचक हो सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं, वही अब संसद भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक के बाद से कहीं ना कहीं देखा जाए तो सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल के तमाम नेता कैसे सदन में आज सरकार को डिफेंड करना है, मणिपुर हिंसा को डिफेंड करना है इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। वही अगर बात की जाए तो संजय सिंह के निष्कासन को लेकर संजय सिंह अभी भी निष्कासन को बहाल करने को लेकर संसद भवन के गांधी प्रतिमा पर कहीं ना कहीं अभी भी अड़े हुए हैं। अनशन पर उनके साथ तमाम नेता मॉर्निंग वॉक पे पहुंचे। साथ ही अगर बात की जाए तो अलग अलग दलों के नेता कल देर रात ही उनके साथ बैठे रहे। वहीं अगर बात की जाए तो आज देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह के निष्कासन के बाद कौन सवाल उठाता है। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं संजय सिंह जो कृत्य कहीं ना कहीं संसद में करते आते हैं वो अब आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा उनका मोर्चा संभालेंगे और आज सत्ता और कहीं ना कहीं विपक्ष के बीच मणिपुर मामले को लेकर कई अहम चर्चा देखने को मिल सकता है। मयूरी विवांशु, जिस तरह से मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, आक्रोशित नजर आ रहा है, वहीं सरकार अब पूरी तरह से तैयारी में नजर आ रही है जवाब देने के लिए। हम जिस तरह देखे मानसून सत्र के पहले तीन दिन दोनों सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई, आज चौथा दिन है मानसून सत्र का, तो आज भी हंगामे के पूरे पूरे आसार हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसा को लेकर संसद दो दिनों से कहीं ना कहीं देखे तो व्यर्थ गई है। जो तमाम सांसद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आते हैं, जो मूलभूत सुविधाओं पर जिनको कहीं ना कहीं बात करना है वो कहीं ना कहीं देखे तो पिछला सत्र हो
या ये सत्र हो, कहीं ना कहीं संसद का देखे तो स्थगित होने से तमाम जो देश के प्रमुख मुद्दे हैं, साथ ही साथ तमाम जो विधेयक है राज्यसभा में लोकसभा में, वो लंबे अवसर से पेंडिंग पे है। साथ ही अगर बात की जाए तो आज अगर संसद चलती है, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सेशन चलते हैं, तो किस कैसे सरकार इसको डिफेंड करता है, क्या दलील देता है, वो देखने वाली बात होगी। साथ ही विपक्षी में दलों की लगातार मांग थी कि मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार चर्चा करे और इसे कहीं ना कहीं जो शांति व्यवस्था उसको कायम करने के लिए एक पहल की शुरुआत करे, जिसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कल इस बात की स्वीकृति दी जाती है कि मणिपुर हिंसा को लेकर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर बात की जाए तो 2024 के लिहाज से मयूरी संसद भवन के चाहे दोनों हाउसों को देखा जाए तो कार्रवाइयाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात करें तो संसद की कार्रवाई कहीं ना कहीं 2024 की लोकसभा चुनाव की दशा दिशा भी तय करेगा। जी जी धन्यवाद असम से जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि आज मणिपुर हिंसा को लेकर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष की अहम बैठक हो रही है, बता दें वहीं मानसून सत्र का चौथा दिन है और आज दोनों पार्टियां आमने सामने नजर आएंगी। जहां मानसून सत्र के तीनों दिन भारी हंगामे के कारण मानसून सत्र को स्थगित कर दिया गया, वहीं आज चौथा दिन है, आज भी संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। मणिपुर मुद्दे को लेकर भारी हंगामा देखने को मिल सकता है। यूपी के औरैया में एक प्राइवेट अस्पताल में छापेमारी की गई। इस दौरान अधिकारी के गेट खुलवाने के बाद वहां पर आशा बहुएं छुपती हुई नजर आई। वहां जैसे ही दरवाजा खुला तो एक आशा बहु डर से मेज के नीचे छुप गई और दो आशा बहुएं जमीन पर रेंगते हुए नजर आई। स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक की छापेमारी के बाद प्राइवेट अस्पताल में हड़कंप मच गया। छापेमारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर लोग ले रहे हैं। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने बताया कि छापेमारी के दौरान प्राइवेट अस्पताल में मिली सात आशा बहुओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा है, उसमें हमें जानकारी मिली थी कि वहाँ पे कुछ आशा बहुएं वहाँ गई हुई हैं, तो मेरी टीम द्वारा वहाँ छापेमारी की गई थी, जिसमें कुछ आशाएं हमें छिपी मिली थी। हॉस्पिटल लक्ष्मी हॉस्पिटल है, वो आशाओं को हमारे द्वारा क्या नाम स्पष्टीकरण मांगा गया है कि वो वहाँ क्या करेंगे। कहाँ पे हॉस्पिटल है? ये बटना रोड पे है, लक्ष्मी हॉस्पिटल। और इस खबर पर औरैया से हमारे सहयोगी अमित शुक्ला हमसे जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में छापेमारी की गई, वहीं आशा बहुएं मेज के नीचे छुपते हुए नजर आ रही हैं। क्या वजह है ऐसे छुपने की, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी मयूरी जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला दीना का है, जहाँ पे औरैया दीना तहसील है, यहीं पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आशा बहुएं हैं, ये सात आशा बहुएं, इनको एक तो पहली तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक होते हैं ये लालच दे देते हैं, कहीं गिफ्ट देते हैं, कहीं रुपए भी एक ज्यादा देते हैं, तो इस हिसाब से ये लोग ले जाते हैं। वहीं जब डॉक्टर ने छापेमारी की सूचना मिलने के बाद तो हड़कंप मच गया और आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ कि मेज के नीचे ये लोग अंदर हैं और डॉक्टर ने दरवाजा खुलवाया, इसके बाद में फिर सबको निकाला गया। अमित, इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य केंद्र का अभी तक क्या कुछ कहना है? जी अधीक्षक ने साफ साफ कहा है कि स्पष्टीकरण सबको दे दिया गया है और बहुत जल्दी इनसे कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद अमित हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि मेज के नीचे आशा बहुएं छुपते हुए नजर आई हैं, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है और स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने ये छापेमारी की है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जब ये छापेमारी की गई तो ये आशा बहुएं मेज के नीचे छिपती हुई नजर आई हैं, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ बाल पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।